अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है। इसका कारण यही है कि इस समय थोड़ा काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और टाइम नहीं मिल पा रहा है, और ये मैं हो सकता है 10 से 12 दिन और चलेगा। हो सकता है बीच बीच में एक दो वीडियो आ जाए, नहीं तो 10 से 12 दिन के बाद इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो अभी एक नया अपडेट आया है एयरपोर्ट के हवाले से लेकर, तो मैंने सोचा किसी तरह से मैं टाइम निकाल कर इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि और सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक नया नियम लागू हुआ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते लेंगे, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कमेंट का भी जवाब दे दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ऑनलाइन नहीं रहने की वजह से कमेंट का भी जवाब सही से नहीं दे पाता था, तो मैंने सोचा वीडियो थ्रू ही कमेंट का जवाब दे दूँ तो अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहला जो कमेंट आया है ये है जट जी के नाम से जो कमेंट आया, बोल रहे हैं कि मेरा वीज़ा स्टाम्प हो गया है बट मोफा पर शो नहीं हो रहा है, ई नंबर शो हो रहा है, वीज़ा नहीं शो हो रहा है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका वीज़ा स्टम्प हो गया तो ऑनलाइन भी शो होना चाहिए, अगर वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ है तो ऑनलाइन शो नहीं होगा, ठीक है ना भाई? पहले आप सही से चेक कर लीजिए तब जाइएगा। और एक ये है इस्लाम खान के, बोलते हैं भाई वीज़ा लगा है सो हो रहा है लेकिन A4 पेपर नहीं आ रहा है। भाई A4 पेपर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उस पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपने इसी पे कमेंट किया है तो जो तरीका मैंने बताया उसी तरीका से आप करेंगे तो आपका A4 पेपर भी निकल आएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक उस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर और जो मोफा नंबर है वो डाल के डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो समझिए भी आपका वीज़ा स्टाम्प नहीं हुआ है, ठीक है। और एक आए हैं अखलाक अहमद, बोलते हैं बेवकूफ़ वाला ब्लॉग, इस पर वक्त बोल रहे हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं गमका स्लिप सबसे कम रेट में बुक कर रहा हूँ, और ये सही भी बात है। इस पर इन्होंने कमेंट किया है कि बेवकूफ़ वाला बने, मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई एक बार आकर मेरे से गमका स्लिप बुक करवा लो, सबसे कम रेट में करता हूँ, ठीक है। एक आया है कमेंट मुदस्सिर हुसैन का, इनका कुछ लंबा ही कमेंट लगता है, बोलते हैं भाई मैंने सुना है कि जिसका एक बार मेडिकल अनफिट हो जाता है तो दोबारा उस 60 दिन बाद जब मेडिकल कराएंगे फिट आए तो उसका वीज़ा उस पासपोर्ट पर नहीं लगेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेडिकल अनफिट हो गया, ऑनलाइन हो गया, 2 महीने तक का इसकी वैलिडिटी रहती है, 2 महीने के बाद आप दोबारा मेडिकल कराएंगे फिट हो जाएंगे, फिट होने के बाद आपसे फिर आपका वीज़ा स्टाम्प हो जाएगा। ऐसा कुछ ना अफवाहें हैं और कुछ नहीं, वीज़ा स्टाम्प हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगला जो कमेंट आया है मेरे पास से है मोहम्मद खुशनूद का, बोलते हैं सर मैंने पढ़ने के लिए जाना है तो मेडिकल में कौन सा ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा? तो भाई इसके लिए तो मेडिकल में कौन सा ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, मैं भी नहीं देखा हूँ, बाद में मैं भाई अलग से इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक आया अबरूज जॉब्स के तरफ से कमेंट आया है, भाई गमका मेडिकल सऊदी अरबिया की वैलिडिटी कितने दिन का होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, गमका मेडिकल की वैलिडिटी जो फिट रिपोर्ट है उसकी भी 2 महीने की रहती है, और जो अनफिट रिपोर्ट है उसकी भी 2 महीने की होती है, ठीक है ना। और अगला कमेंट आया है, मैं ले रहा हूँ आपका, ये है मौसिल कुमार का, बोलते हैं मुझे 3 महीना हो गया है सऊदी में लेकिन मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सऊदी में क्या करें? तो भाई आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपका वीज़ा कंपनी का है या फिर कफील का है, और कंपनी का है तो मेंशन हो जाएगा, ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। और अब आते हैं टॉपिक पे, टॉपिक यही है कि जो है कि G20 शिखर सम्मेलन चल रही है इस समय, और इसी के दौरान जो है एयरपोर्ट की तरफ से जारी किया गया है लेटर कि उसमें सबको सुरक्षा के मद्देनज़र ये बताया गया है कि जो लोग भी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध किया गया है, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि जिनको भी फ़्लाइट पकड़नी है वो लोग फ्लाइट से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ तो उनके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे आप 5 घंटे कम से कम 5 घंटे पहले पहुँच जाए, पहले 2 घंटा 3 घंटा पहले लोग पहुँच जाते थे, कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अभी इस समय के हिसाब से आपको 5 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा एयरपोर्ट ताकि आपका फ़्लाइट मिस ना हो। अगर आप लेट पहुँचेंगे तो हो सकता है आपका फ्लाइट मिस हो जाए,
और आपका सारा पैसा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि भाई कम से कम 5 घंटा पहले ज़रूर आप लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। एयरपोर्ट के तरफ से बहुत सख्ती से कहा गया है, लेटर भी जारी किया गया है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं लेटर को। तो आप लोग 5 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंचने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें ताकि आपका फ्लाइट जो है वो मिस ना हो पाए, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर अपना सवाल जो भी है पूछ सकते हैं। तो वीडियो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।